अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब बेटा हम जहाँ से लेक्चर छोड़े थे वहीं से इसका आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 3 बेटा आज हम करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ और डेफिनेशनें उस दिन हमने कर ली थी, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 6 से लेकर एंड तक बेटा करेंगे। इसमें से बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ पार्ट मैं कर दूँगा, बाकी आपके होमवर्क होंगे। पार्ट नंबर 6 आसान है, लेकिन फिर भी मैं करने लगा हूँ ताकि मेथड की समझ आ जाए। फिर पार्ट नंबर 7 करूँगा और फिर 8 वाला बेटा आपका होमवर्क होगा। तो देखते हैं अब, ये बेटा पार्ट नंबर 6 ये है, बहुत दफ़ा पेपर में आता है। इफ़ एक्स फाइंड एक्स इफ़ एक्स ए इफ़ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3:5। तो बेटा ये 3.1 की तरह का क्वेश्चन है कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख लें, 6/x 3/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 5 से, 3 को x से 3x, ये बन जाएगा 30। 3 से डिवाइड किया तो आंसर 10। आगे पार्ट नंबर 7 आपका 3.2 जैसा है। बेटा हमने इनको तरतीब से लिखा, आगे प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, तो ये ky² वैल्यू पुट कर दें। बेटा वैल्यू पुट की तो k का आंसर आ जाएगा 27/16। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो 27/16y² आगे हमारे पास वैल्यू है x की, वो वैल्यू हमने पुट करनी है तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो बेटा इधर 27/16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 16/27 नीचे, इनको कट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/9। हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ y² है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ±4/3। तो बेटा 7 के बाद बेटा पार्ट नंबर 8 देखें, ये बहुत अहम है। पार्ट नंबर 8 भी 3.2 जैसा है। पार्ट नंबर 9 फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 3.3 जैसा। फाइंड द मेन प्रोपोर्शन, ये भी 3.3 के जैसा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, ये भी 3.3 जैसा। बेटा ये जो पार्ट नंबर 9 10 और 11 है, ये बहुत अहम है, शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, तो ये 3.3 से देखकर आपने करने हैं, सादा क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद 12 वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, 13 और 14 आप लोगों ने करना है। इसमें बेटा आपके पास वैल्यूज़ गिवन है और आपने वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो मेथड देख लें। 12 वाला हमारे पास y 28 x 7 z 2 y मालूम करना है। बेटा फार्मूला लिखें, प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, के आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें। बेटा वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर k की वैल्यू 8/7 आ गई। बेटा अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। असल में ये क्वेश्चन वही है कि जिस इनमें सिर्फ k की वैल्यू मालूम करनी है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो यही हमारा काम होगा। हमने k की वैल्यू मालूम की, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/7। पुट k इक्वल टू 8/7 इन 1। y के वैल्यू वहाँ कहा था मालूम करनी है, तो y की वैल्यू यही है 8/7 x². ये जो पहली वैल्यू गिवन थी, ये वाली 3, ये सिर्फ k की वैल्यू मालूम करने के लिए थी। ये नहीं कि y की वैल्यू मालूम करनी है तो आप दोबारा से ये ऊपर वाली वैल्यू लिख लें। इसका मतलब है कि आपने असल में k की वैल्यू पुट करके वहाँ पर 1 में पुट कर देनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसको हम पिछले सवालों में इक्वेशन 2 कहते थे, वहाँ तक हल करनी है। अब इसका 13 पार्ट भी ऐसा ही है। बेटा जी और एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू मालूम करनी है, आपने ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू आ जाएगी, और वो के की वैल्यू जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर पुट कर देनी है। इसी तरीके से ये 14 पार्ट भी ऐसा ही है कि आपने डब्ल्यू और वी स्क्वायर गिवन है, तो आपने डब्ल्यू और वी की वैल्यू मालूम करनी है, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी के की वैल्यू आएगी वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये आपकी रिव्यू 3 है। बेटा रिव्यू इस चैप्टर में से 3 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये रिव्यू बहुत अहम है। कम से कम 2 शार्ट क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने नीट रजिस्टर पर ये सारे क्वेश्चन करने हैं, 6 से लेकर 14 पार्ट तक। ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है। ये आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें सारे समरी में ग्लोजरी में बेटा ये करवा दी थी। ओके बेटा, यही आज आपका काम है। खुदा हाफिज़।